हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ रूबिया साजिद, वेलकम्स यू बैक टू माय चैनल, माय पैशन फॉर कुकिंग। गाइस, आज मैं आपके लिए अचारी मटन की ये रेसिपी ले आई हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और फ्लेवरफुल बनकर तैयार होती है। अगर आपने इस रेसिपी को ट्राई नहीं किया है तो किस बात की है देर, बकरीद इज़ अराउंड द कॉर्नर। बकरीद पर आप इसे ज़रूर से बनाइएगा। और गाइस, आई नो यू आर गोना लव इट। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। सो किस बात की है देर, लेट्स बिगिन। अचारी गोश्त बनाने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले यूज़ करेंगे 1/4 कप उतना ऑयल, और इसे हल्का सा गरम कर लेंगे। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे बारीक कटी हुई प्याज 1/2 कप। इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक ये हल्की सी गोल्डन कलर में ना आ जाए। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबलस्पून, और इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे जब तक कि इसकी रॉ स्मेल ना इससे निकल जाए। अब हम यहाँ पर सभी सूखे मसाले ऐड कर देंगे, जैसे कि लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 2 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून, चाट मसाला 1/4 टीस्पून और नमक 1 टीस्पून। फिर हम इसे अच्छे से भून लेंगे, और अब हम इसमें ऐड कर देंगे मटन, जो है 1/4 केजी उतना मटन। हमने यहाँ पर इसे बोनलेस रखा है, आप चाहो तो विद बोन्स भी इसे ऐड कर सकते हो। गोश्त को हम मसालों में ऐड कर अच्छे से भून लेंगे जब तक कि गोश्त का पानी खुश्क ना हो जाए और तेल इस तरीके से किनारे पर ना आ जाए। यस गाइस, बिल्कुल इस तरीके से। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे अनियन पेस्ट 1 कप, टमाटो चॉप 2, और अच्छे से फेंटा हुआ दही 1 कप। जैसे हम अचारी गोश्त बना रहे हैं तो नाम से ही पता चलता है गाइस कि इसमें अचार के मसाले लाजमी डालेंगे। तो हम इसमें ऐड कर रहे हैं कलौंजी 1 टीस्पून, जिसे हमने साइड में उठा कर रखा है बिकॉज़ हमें इसे कूटना नहीं है, और बाकी मसालों को हमें दरदरा कूट लेना है। मसालों में है ज़ीरा 1 टीस्पून, सौंफ 3/4 टीस्पून, मेथी 1/4 टीस्पून, राई 3/4 टीस्पून, काली मिर्च 1/2 टीस्पून। और फिर हम इसे दरदरा कूटने के बाद वापस से कलौंजी इसमें मिला देंगे, और ये कूटे हुए मसालों को हम ग्रेवी में ऐड कर देंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पका लेंगे ऑलमोस्ट फॉर 5 to 6 मिनट्स, ताकि इससे सारी कच्ची स्मेल निकल जाए। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे 1 कप उतना पानी, और इसे हम ढक देंगे, लाइक प्रेशर कुक करेंगे, ताकि हमारा मटन जल्दी से गल जाए। तो ये लीजिए गाइस, हमारा मटन यहाँ पर अच्छे से गल गया है, एंड लुक एट द कंसिस्टेंसी एंड द कलर ऑफ द ग्रेवी। इसको देखकर ही आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा डिलीशियस बनकर तैयार हुआ है। एंड लुक एट दिस गाइस, हमारा मटन बहुत अच्छे से गल गया है। सो यस गाइस, लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया और 5 से 6 हरी मिर्चें। फिर यहाँ पर हम जल्दी से नमक टेस्ट करेंगे, और अपनी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा। जल्दी से मिक्स करेंगे एंड चलिए चलते हैं सर्विंग की ओर। सो ये लीजिए गाइस, आज का हमारा अचारी मटन बनकर बिल्कुल तैयार है, जो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनकर तैयार हुआ था। अगर आप हमारी बात करें तो हमने इसे खाया था मेथी के पराठों के साथ, जी हाँ गाइस, जो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लग रहा था। आप भी अपने घरों में इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, और मुझे आपका फीडबैक नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट मंथ में, तब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को अपने दुआओं में याद रखिएगा। मच लव गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल, अस्सलाम वालेकुम।